यार डिटर्जेंट पाउडर वाले भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये तो यूथ फेस्टिवल है यार, तो बिना जाने समझे हम इसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे गया बेटा आज का दिन? ठीक था मम्मी। अच्छा पानी को पिए? युवाओं में बढ़ रही है नशे की लत, पूरे देश में फैल रहा है ड्रग्स का जाल, नशाखोरी के खिलाफ प्रधान हरियाणा के दो अलग अलग जगहों में महिलाओं से रेप की खबर ने सबको झकझोर दिया है। हरियाणा के पंचकुला भाई तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नारियल पानी कुछ कम मीठा है यार? भाई मैं तो सारे सुड़क के पी जाता, मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं। जो मिले उसको सुड़क लो भाई, सुड़कुरान तेरा कुछ हो नहीं सकता यार। यार कोई यूथ फेस्टिवल उद्गार नाम से हो रहा है यार, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 14 अक्टूबर 2018। क्या उठा लाया यार, तो कुछ नहीं होता, सारे फेस्टिवल ये ना एक ही जैसे होते हैं। मैं बताता हूँ, इन फेस्टिवल का जो मेन पर्पस होता है ये होता है कि नए बच्चों को पकड़ते हैं और अपना ब्रांड प्रमोशन करते हैं। मेन इनका काम कुछ नहीं होता, कोई उद्गार ये सब कुछ नहीं होता, सारा काम ब्रांड प्रमोशन हटा लेते हैं। फालतू की बातें सुनाते रहते हैं भाई, इनका एक प्रोमो वीडियो भी है। देखा मैंने क्या बोला था?
अच्छा, इससे पहले तू कभी उद्गार के बारे में तूने कभी सुना है या तूने कभी उद्गार अटेंड किया है क्या? यार उद्गार के बारे में तो नहीं सुना, नहीं कभी गया हूँ, बट क्या फ़ायदा, सारे शोज तो एक ही जैसे होते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, सबका काम एक ही होता है, लड़के लेकर आओ, यूथ को अट्रैक्ट करो और उनसे अपना प्रोडक्ट सेल करवाओ, और कुछ नहीं होता। अच्छा चल दीप, मैं तुझे एक सिचुएशन देता हूँ, उसके लास्ट में मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा लेट अस सपोज कि तूने आज से पहले कभी तूने गुलाब जामुन के बारे में ना तो कभी सुना है, ना तो कभी देखा है, और ना ही तूने कभी उसको टेस्ट किया है। ठीक है, मान लिया? माना। और उसके बाद मैं तेरे को एक काला काला ताज़ा ताज़ा रस भरा गुलाब जामुन तेरे को देता हूँ, मानता है? तो क्या तू मुझे उस गुलाब जामुन का टेस्ट बता सकता है? खाया नहीं और कभी सुना भी नहीं यार, तो फिर मैं कैसे टेस्ट बता पाऊंगा? जो चीज़ मेरे लिए नहीं है उसको बाद में कैसे जान सकता हूँ? एग्जैक्टली सेम इज द केस विद उद्गार ऑल्सो। जब तूने आज से इससे पहले उद्गार के बारे में कभी सुना नहीं, कभी उद्गार को अटेंड नहीं किया, तो तू अपना ओपिनियन कैसे बता सकता है भाई? यार मैं इन फेस्टिवल वालों का साइड ही ले रहा हूँ यार, ना ही मतलब मैं कोई उद्गार प्रेमी हूँ, ना ही मैं मुझे कुछ मिल रहा है, बट मेरा एक पॉइंट है, वो पॉइंट है कि दैट वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड रैशनल इन अवर थिंकिंग, वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। अगर हमें कोई उसके बारे में कोई बता रहा है कि वी हैव ए यूथ फेस्टिवल एंड दिस एंड दैट, तो एटलीस्ट हमें एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है, उसके बाद उसे रिजेक्ट करना चाहिए। और शायद तूने एक चीज़ को ध्यान नहीं दिया जिसने मेरे माइंड को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया, इनके फ्लायर में लिखा हुआ है दैट बिल्डिंग इंडिया अपॉन वैल्यूज। तुझे पता है भाई, आज सोसाइटी में जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे करप्शन हो, चाहे क्राइम हो, चाहे रेप्स हो, इन सब का मेन रीज़न जानता है तू? इन सब का मेन रीज़न है वैल्यूज़। यार वैल्यूज़ की बातें कौन कर रहा है आज के डेट में? यार जिधर देख, सोशल मीडिया पे जा, फेसबुक पे जा, व्हाट्सएप पे जा, यूट्यूब पे जा, हर जगह तुझे क्राइम मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बात करते हैं, हाउ टू कन्विंस पीपल, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इम्प्रेस गर्लफ्रेंड, बट वैल्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, चाय पीते वक्त हमारे अंदर का देश प्रेम बहुत उबाल लेता है, क्या देश में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बट अगर आज हमें कोई वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है तो हम बिना जाने समझे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑनेस्ट थिंकिंग, दैट इज माई पॉइंट। यार डिटर्जेंट पाउडर वाले भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये तो यूथ फेस्टिवल है यार, तो बिना जाने समझे हम इसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? यार ठीक है तेरी वैल्यूज बातें, बट फिर भी मेरे को नहीं लगता। भाई तेरी मर्जी यार, पर मैं तो जाऊंगा यार, वैल्यूज़ का प्रोग्राम है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। ऊपर से इंदिरा गांधी स्टेडियम, कुछ नहीं मिला तो विवेक बिंद्रा जी से मिल लूँगा, उनसे कुछ ना कुछ तो सीख ही लूँगा यार। अच्छा ओए सुन, और इसमें क्या क्या है वैसे? भाई मैं तुझे पढ़ के सुना देता हूँ। भाई देख, सबसे पहले तो इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा एक मोटिवेशनल स्पीच है, उसके बाद थिएटर शो भी है अस्तोमा संग्रह में, स्टैंड आर्ट भी है भाई राहुल आर्या, तो रॉक बैंड भी है भाई माधवास। एक सेकेंड, अरे तो माधवास एक फेमस यूट्यूबर है और इनका बहुत अच्छा बैंड है, इनका गाने सुनता हूँ समटाइम्स में। वही माधवास, मुझे भी मैंने नाम सुना है, इंडिया गॉट टैलेंट में सारी फाइनल में पहुँचे थे। मूवी डांस भी है, और तो और इंटर कॉलेज कुछ कंपटीशन भी है यार, इन्होंने तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज दे रखा है यार, जाना चाहिए। क्या बोलता है?